मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन मिलेगा, शहर से दूर देहात में इमरजेंसी सेवा की शुरुआत की जा रही है, साथ ही 112 नंबर पर कॉल कर आकस्मिक सेवा का लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं सरकारी सेवकों को डीए का इंतजार करना होगा। कैबिनेट ने हरी झंडी नहीं दी, डीए प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। आज 35 एजेंडा पे मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति दी है। मैं सबसे पहले विद्युत क्षेत्र के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबद्ध योजना है, इसका द्वितीय चरण जो है, जो इच्छुक किसान को चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत जो कनेक्शन दिया जाना है, निःशुल्क कनेक्शन, उसके अंदर 2190 करोड़ 75 लाख की योजना स्वीकृत की गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे खेत में जो कनेक्शन होता है, इसमें पोल लगने हैं, तार लगने हैं, उसका मीटर तक जो तार है और सारी व्यवस्था है वो निःशुल्क होगी। किसानों को केवल जो ऊर्जा का मीटर का जो बिल है वो भुगतान करना होगा, किंतु कनेक्शन जो होगा वो निःशुल्क होगा। इस पर 2190 करोड़ 75 लाख की योजना स्वीकृत की गई। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का ये न्यू पुनेचक में आवासीय परिसर है। आपको जानकारी होगा कि यहाँ पे ऊर्जा स्टेडियम है, आपने सभी ने देखा होगा। तो ऊर्जा स्टेडियम के पीछे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जो 42.10 करोड़ का होगा। इसमें विभिन्न खेल कूद होंगे, इसमें आपके स्क्वाश कोर्ट होंगे, टेनिस कोर्ट होंगे, आपके बैडमिंटन कोर्ट होंगे और सभी जो स्पोर्ट्स गतिविधियाँ हैं वो ऊर्जा स्टेडियम के पीछे जो स्थान है वहाँ पे बनाए जाएंगे। ये 42.10 करोड़ का होगा। ये सभी हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, खेलकूद जो रुचि रखते हैं उनके लिए उपलब्ध रहेगा। और इसका संचालन जो है बिहार सचिवालय स्पोर्ट्स फाउंडेशन जो है वो करेगा। बिहार सचिवालय स्पोर्ट्स फाउंडेशन जो करेगा, इसका निर्माण करेगा ऊर्जा कंपनी और मेंटेन भी ऊर्जा कंपनी करेगा। हर घर नल का जल योजना, आपको जानकारी होगा, यह गुणवत्ता और गैर गुणवत्ता प्रभावित 12 नंबर हर घर नल का जल, यह 7 निश्चय के अंतर्गत यह गुणवत्ता और गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में योजना कार्यान्वित की जा रही थी। तो जो छूटे हुए बसावट हैं और टोले हैं, आपको याद होगा कि समाधान यात्रा के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि राज्य में जो छूटे हुए बसावट हैं, टोले हैं, उन सभी में नल जल योजना कार्यान्वित किया जाए। तो जो छूटे हुए बसावट हैं उसमें 16,426 वार्ड हैं और उसके 3,393 छूटे हुए टोले हैं और बसावट हैं। इसमें 1,063 करोड़ 46 लाख रुपए की योजना ये गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र के लिए स्वीकृत की गई है। तो जो गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र हैं वो PHD निर्माण कर रही है उसकी ये योजना, और 1,063 करोड़ 46 लाख रुपए की योजना हर घर नल का जल के लिए स्वीकृत किया गया। इसी प्रकार जो गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र हैं, जहाँ पे आर्सेनिक है, फ्लोराइड है और आयरन है, इनको कहा जाता है गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र। आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन, जो पानी प्रदूषित पानी है, जो केमिकल युक्त पानी है, उसके लिए भी हर घर नल का जल जो है गुणवत्ता प्रभावित 30,207 वार्डों में से 7,326 छूटे हुए टोले बसावटों में 3,642 करोड़ 72 लाख रुपए की योजना स्वीकृत की। तो जो गुणवत्ता प्रभावित है उसके लिए 3,642 करोड़ 72 लाख रुपए योजना स्वीकृत की गई है गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र के लिए। ग्रामीण कार्य जो सड़क है राज्य योजना अंतर्गत खगड़िया जिला के कार्य प्रमंडल, यह 6 नंबर राज्य योजना अंतर्गत खगड़िया जिला के कार्य प्रमंडल खगड़िया के अधीन मानसी प्रखंड में मानसी मंदिर चौक से मुंगेर जिला के टीका रामपुर पंचायत के बनारसी राय टोला में बूढ़ी गंडक पर 7/25 मीटर आकार का पुल निर्माण स्वीकृति दी गई है। यह 13 करोड़ 18 लाख रुपए की जगह पर पुनरीक्षित प्राकलन जो है
185.82 मीटर का अब 20,44,00,000 रुपए की योजना स्वीकृत की गई। 33 नंबर पे ये गृह विभाग का प्रस्ताव है। आपको याद होगा जो 112 नंबर है, सभी आप लोग देखते होंगे पुलिस की जो 112 नंबर गाड़ी है, जिसको आपात अनुक्रिय सहायक तंत्र व्यवस्था हम लोग कहते हैं ERSS, इसका फेज टू मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत दिया है और 766 करोड़ 71,35,385 करोड़ की योजना है और CDAC इसका सॉफ्टवेयर बनाता है। प्रथम फेज और द्वितीय फेज में एक अंतर ये है, प्रथम फेज में आपको देखा होगा कि सभी जिला मुख्यालय में है और पटना पूरा शहर है, वहाँ पे 112 गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। अब सेकेंड फेज में पूरे देहाती क्षेत्र में भी इस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया सरकार ने। साथ ही साथ जो वर्तमान व्यवस्था है जो शहरी क्षेत्र और जिला मुख्यालय वाला है उसको सुदृढ़ करने का भी निर्णय लिया है। और 112 का एक और अभी इसका इंटीग्रेशन हमारी जो एम्बुलेंस सेवा है और अग्निशामन सेवा है उसके साथ ही भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसका मतलब यह हुआ जो 112 है यदि आपको घर में कहीं आग लगाई है या कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो 112 यदि आप डायल करेंगे तो आप कोई भी सेवा, पुलिस सेवा, एम्बुलेंस सेवा और अग्निशामन सेवा या तीनों मिला के तीनों सेवाएं ये आप बुला सकते हैं इमरजेंसी में, और ये पूरे राज्य में अब इस व्यवस्था को लागू की गई है। बता दें कि बिहार में ड्राइवर रिक्रूटमेंट की नियमावली बदल गई है। बिहार के हर विभाग में वाहन चालक की बहाली तकनीकी चयन आयोग करेगा। बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। उसके साथ ही बिहार सचिवालय से पंचायत जुड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।